सब्सक्राइब करें हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और बेल आइकन दबाकर पाएं सभी नोटिफिकेशन। अपरनाने कवना च पाटला पाटला वदे
పట్టంబర పరిధాన కల మంజీల రంజని అమేయ విక్రమ క్రోర సుందరేశ్వర సుందరి వణ దుర్గాజమతంగే మతంగ మణిపూజిత భ్రామీ మహేశ్వరి చందే కవారి వైష్ణవీ చాముండా జయవారాయ లక్ష్మీ చ పురుషాకృతి విమలాకర్షణి జ్ఞాన క్రియా నిత్యాచ బుద్ధి బహుళ బహుళ ప్రేమ సర్వవాహన వాహన నిశంబర శంబహనని మహిషాసురమర్దని మధుకేటవ హందే చండమండ వినాశని సర్వాసర్వినాశాచర్వధానవఘాతిని సర్వశాస్త్రామయ సత్య సర్వాస్త్రధారణేత అనేక శాస్త్రహస్త అనేకాశ్రస్య ధారిణి కుమారీ జయ కన్యా జయశ్వరే యువతే గతి అప్రౌఢా జైవ ప్రౌఢా చ వృద్ధమాతామలమృత మహోదరీ ముక్తకేశే కాలరూప మహాబల అగ్నిజ్వాలారౌద్రముఖే కాలరాత్రే సమస్విని నారాయణే భద్రకాళే విష్ణుమాయా జలోదరి శివధూతి కరాళే చ అనంత పరమేశ్వరి కాత్యాయనే జావిత్రే ప్రత్యక్ష బ్రహ్మభాదిని యాదం ప్రభరే నిత్యం దుర్గా నామ సదాశుకం నాసాధ్యం విద్యతే దేవే దృశోలోకేషు పార్వతి ధనం ధాన్యం సుతం జాయమయమశ్వినమే చతుర్భర్గం తథా చంద్ర లభే భక్తిం దశాశ్వరే కుమారే పూజయత్వాదో ధ్యాత్వా దేవీం సురేశ్వరే పూజయత్వయా భక్త్యా పఠే నామ చదాశకం తస్య సిద్ధిర్భవే దేవి సర్వే సర్వరేరపి రాజానో దాసతాం జాంతి రాజ్యే స్వయమవాపునయాత్ భోగోచనాలక్తక కుంకుమేన సింధూర చర్మోర మధుత్రేణ విలక్ష్యంద్రం విలీనా విదిజ్ఞ భవే సదా ధార్యతే పురారి భౌమావాస్యాని శామగ్రే చంద్రే సదృశాంగరే విలక్ష్య ప్రవదే స్తోత్రం సమవే సర్వదా प्रातःकालीन आरती की इस पवित्र बेला में आप सब भक्तों का माँ विभूति के दरबार में अभिनंदन, आप सब का हार्दिक स्वागत। इस समय विश्व के कल्याण के लिए स्तोत्रों द्वारा माँ विभूति की स्तुति की जा रही है। विश्व के कल्याण में ही हम सब का कल्याण है। इस समय वैदिक मंत्रों द्वारा षोडशोपचार से विधिवत इस दिव्य गुहा के अंदर माँ भगवती की पूजा, माँ की अर्चना की जा रही है। ऐसी मान्यता है कि जब माँ भगवती की पूजा होती है, पूजा के समय समस्त देवतागण भी करवत माँ भगवती स्तुति करते हैं। आरती के इस पवित्र वेला में जो ही भक्तजन भक्ति भाव से एकाग्रचित होकर के विशुद्ध मन से माँ भगवती का ध्यान करते हैं, माँ का नाम स्मरण करते हैं, माँ भगवती की स्तुति करते हैं, माँ भगवती प्रसन्नता पूर्वक उन भक्तों की प्रार्थना को स्वीकार कर करके उन्हें वरदान देती है। आप सही भक्तजन माँ भगवती के दरबार में विराजमान हैं। आप जो लक्ष्य लेकर घर से चले हैं, उसी लक्ष्य पर अपना ध्यान केंद्रित कर करके भक्ति भाव से माँ भगवती के चरणों का ध्यान करते हुए माँ से प्रार्थना करें। माँ भगवती आप आए हुए शरणार्थ भक्तों की प्रार्थना को स्वीकार कर करके आपको आशीर्वाद दें, आपकी मनोकामना को, आपके मनोरथों को पूर्ण करें। जय आरती की वेला है, बड़ी उत्तम वेला है। इस पवित्र वेला में की भगवती की आराधना, अर्चना, पुण्यकर्म, माँ भगवती की स्तुति इसका अक्षय फल होता है। विद्वानों द्वारा आपके कल्याण के लिए, आपकी सुख समृद्धि के लिए, आपका बुद्धि के लिए, आपकी उन्नति के लिए, आपकी दीर्घायु के लिए स्तोत्रों द्वारा माँ भगवती की स्तुति की जा रही है। यह स्तोत्र वास्तव में परम कल्याणकारी ही, सुख शांति सुख समृद्धि को देने वाले ही, धन धन की वृद्धि करने वाले ही। जो ही भक्तजन भक्ति पूर्वक
इन स्तोत्रों द्वारा मां भगवती की स्तुति करते ही मां की कृपा से मां के आशीर्वाद से उन भक्तजनों के जीवन में सदा सर्वदा रिद्धि सिद्धि रहती है। वह भक्तजन वह साधक जन मां के आशीर्वाद से जहाँ जहाँ जाते हैं वहाँ वहाँ उन्हें कार्य में सिद्धि प्राप्त होती है, धन लाभ होते ही उनका यश उनका मान उनकी कीर्ति बढ़ती है, वह आरोग्यता को प्राप्त होते हैं, दीर्घायु को प्राप्त होते हैं, उनकी कभी अकाल मृत्यु नहीं होती, वह पूर्ण आयु का भोग करते हुए धर्म के मार्ग पर चलते हुए धर्मानुकूल कर्म करते हुए इस माँ जगजननी माँ जगदम्बा की आराधना अर्चना करते हुए परम कल्याण को प्राप्त होते हैं। आप सभी अपना ध्यान माँ के चरण में ले जाइए और भक्ति भाव से एकाग्रजित होकर के विशुद्ध मन से इन स्तोत्रों द्वारा माँ भगवती की स्तुति कीजिए। माँ भगवती आप शरणार्थ भक्तों का कल्याण करें, आप सबका मंगल करें। अथ देव्य कवच ओ अंडे कवच से ब्रह्म ऋषि कर्णष्टव छंद चामुंडा देवता अंग व्यास कमतर बीज दिनबंध देवता सत्त श्री जगदंबा सप्त देवाढ़ यवे विनियोग नमस्काय मारकंडवाच ओ यदुभ्यमलोक सर्वक्षाकरण यज्ञकृतम तन्मे ब्रोहे पितामह ब्रह्मवाच अस्तम विप्र सर्वोपकार दिव्याशोकर्षुण महामुने प्रथम शैलपुत्रे द्वितीय ब्रह्मचारिणे तृतीय चंद्रघंटे कौष्मांडे चतुर्थक पंचम स्कंदमादेति षष्ठम कात्यायने सप्तमं कालरात्रेति महागौरीति चाष्टमं नवमं सिद्धिरात्रे च नव दुर्गा प्रकीर्तिता उक्तानि तानि नामानि ब्रह्मणैव महात्मना अग्निरादयमानस्य शत्रुमध्ये गतोरणे भीषमे दुर्गमे चैव भयार्थः शरणं गतः न तेषां जायते किञ्चन अशुभं रणसङ्कटे नापदं दश पश्यामि शोकदुःखमयं नहि येषु भक्तास्मदानानां तेषां वृत्तिः प्रजायते ये त्वां सवन्ति देवेषु रक्षसे तान् सन्देहः प्रेतसंसातु चामुण्डा महाराये महिषासन इन्द्रिकसमारूढा वैष्णवे गरुडासन माहेश्वरे विशारूढा कौमारे शिखिलवाहन लक्ष्मी पद्मासना देवी पद्महस्ता हरिप्रिया श्वेतरूपधरा देवी ईश्वरे वृषभवाहन ब्राह्मणी हंससमारूढा सर्वाभरणभूषिता नित्यतामातरः सर्वः सर्वयोगसमन्वितः नानाभरणशोभाढ्या नानारत्नापशोभितः दृश्यन्ते रथमारूढा दिव्यः क्रोधसमाकुलः शङ्खं चक्रं गदां शक्तिमलं सर्वतलायुधं केटकं सोमरं चैव परशुं पाशमेव च कुन्दायुधं दशोलं च शारङ्गमायुधमुत्तमम् दैत्यानां देहनाशाय भक्तानामभयाय च धारयन् चायुधानीतं देवानां जहिताय वै नमस्ते सोमहारात्रे महाघोरपराक्रमे महाबले महोत्साहे महाभयविनाशने त्राहिमां देवदस्मक्ष शत्रुणामयवर्धने प्राज्ञां रक्षत मामेन्द्रे आग्नेयामग्निदेवता दक्षिणावतु वाराहे नैऋत्यं खड्गधारणे उदेजां वारुणे रक्ष वायव्या मृगवाहिने उदेजां वातु कौमारे अशान्यशूलधारिणे ऊर्ध्व ब्रह्माणि मे रक्ष अधस्ताद्वैष्णवे तथा एवं दशदशो रक्ष चामुण्डा शोवाहन जय मे चक्रहपतो विजयापतो वृष्टिलः अहिता वाम वर्षतो दक्षिणे च पराजिता
सतो शब्द सदे संख्या परमात्मनाति संपदा अथ कीलक ओम अस्य श्री कीलक मंत्रस्य शिव ऋषे अनष्टव छंदः श्री महासरस्वती देवता श्री जगदम्बा विद्यासं सप्तशते माघत्वेन यवे विनियोगः ॐ नमः शण्डिकायै मार्कण्डेयोवाच ॐ विशुद्धज्ञानदेहाय त्रिवेदी दिव्यचक्षुषे श्रेयःप्राप्तिनिमित्ताय नमः सोमाचारिणे सर्ववेदवियानीयान्मन्त्राणामविकीलकम् स्वभिक्षेमवाप्नोति सततव्याप्य तत्परः सिद्धन्द्वजाटनादीनि वस्तूनि सकलानपि एतेन सुमतां देवि स्वत्रमात्रेण सिद्ध्यति न मन्त्रो नौषधम् तत्र न किञ्चिदपि विद्यते विनाजापेन सिद्ध्येत सर्वमुच्चाटनादिकम् समग्राणपि सिद्ध्यन्ति लोकशङ्कामिमामरः कृत्वा निमन्त्रयामास सर्वमेव विदं शुभम् स्तोत्रम् वैचण्डिकायासो तच्च लोकम् जगारसः समाजेन च पुण्यस्य दाव्यतावन्नियन्त्रणाम् स्वोऽपिक्षेममवाप्नोति सर्वमेवम् न संशयः कृष्णायामचतुर्दश्यमष्टव्यापसमाहितः ददाति प्रतिगृह्णाति नान्यदेशा प्रसीदति यथारूपेण कीलेन महादेवेन कीलितम् यो निष्क्रियामिदायेन नित्यज्योति सस्फुटम् स सिद्धः स गणः स्वामि गन्धर्वजायते नरः न चैव फलस्य वयम् वापीह जायते नापमृत्युवशम् जाते मृतमोक्षमभ्यात् ज्ञात्वा प्रारभ्य कुर्वीत न कुर्वाणो विनश्यते ततो ज्ञात्वैव सम्पन्नम् इदम् प्रारभ्यते वदये सौभाग्यादिशते ललनायने तत्सर्वम् तत्प्रसादेन तेन याप्यमिधम् शुभ क्षणेषु याप्यमानेषु श्रोत्रे सम्पत्तिरुच्यकये भवत्येव समग्रापि ततः प्रारभ्यमेव तत् ऐश्वर्यम् यत्प्रसादेन सौभाग्यारोग्यसम्पदः शत्रुहाणि परामोक्षः श्रूयते सणकिन्दने श्रीमहिषासुरमर्दने स्तोत्र ऐ गिरिनन्दिनन्दितमे गिरिविश्वविनोदिनन्दनुते गिरिपरविन्दशिरोदिनिवासिनिविश्वविलासिनिलेश्वनुते भगवति I don't know.
Samadhi, Samadhi,
पेज नंबर 30 माँ सक्षमा प्रार्थना अक्षमा प्रार्थना अपराध सहसाने प्रियंते हरण Yeah.
शब्द का नाद होगा, तीन बार ओम का उच्चारण किया जाएगा। आपसे भक्ति जन भक्ति भाव से हृदय से बाहर निकालते लंबे स्वर से सभी ओम का पाठ करेंगे। माँ से यह प्रार्थना करते हुए कि हे माँ, इन स्तोत्रों द्वारा, इन मंत्रों द्वारा जो आपकी स्तुति की गई है, इसे प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार करो और हम भक्तों का वरदान दो, हम भक्तों का कल्याण करो। सही भक्ति भाव से माँ से प्रार्थना करते हुए ध्यान मुद्रा में तीन बार सभी एक साथ ओम का पाठ करेंगे। भगवती के नाम की महिमा बड़ी अपरंपार है। वास्तव में जो ही भक्तजन सच्चे हृदय से, विशुद्ध मन से कहीं भी इस माँ जगजन्य का ध्यान करते हैं, माँ का नाम स्मरण करते हैं, माँ भगवती की स्तुति करते हैं, माँ भगवती के चरणों का ध्यान कर करके प्रतिदिन निजी रूप से माँ के चरणों नतमस्त होते हैं, माँ को नमस्कार करते हैं, इस माँ जगजन्य जगत माता की उन शरणार्थ भक्तों पर सदा सर्वदा पूर्ण कृपा बन रहती है। जय माँ भगवती हर स्थान पर, हर क्षण हर पल उन भक्तों की रक्षा करती है और सब ओर से उन भक्तों का कल्याण करती है। वन भक्ति भक्ति जो है वह सच्ची होनी चाहिए, सच्चे हृदय से, विशुद्ध मन से। अब जब भी माँ को याद करोगे, माँ को पुकारोगे, माँ अवश्य आपकी सब ओर से रक्षा करेगी, आपका कल्याण करेगी, आपका मंगल करेगी। कपुत्र जात कभी कुमाता न भवती, पुत्र कपुत्र हो सकता है, माँ कभी कुमाता नहीं होती। माँ का हृदय बड़ा ही दयालु होता है और माँ सदा सर्वदा अपने बच्चों पर दयादृष्टि रखती है। कौन माँ है जो अपने बच्चों का बुरा चाहती हो? माँ तो सदा सर्वदा अपने बच्चों का भला चाहती है, उनका वध देखना चाहती है, उनकी उन्नति देखना चाहती है, उनका कल्याण देखना चाहती है और रात्रि जो भगवान से प्रार्थना करती है। इसलिए जो भक्तजन जो है इस प्रकार से माँ के शरणागत होकर के जिस माँ के दरबार में बैठे हुए हैं, जो जगजन्य जगत माता है, जगत गुरु है, जिसके चरणों में ब्रह्मा विष्णु महेश देवता भी जो है नतमस्त होते हैं, जब उन देवताओं पर भी किसी प्रकार का संकट आता है, समस्त देवता गण भी माँ के शरणागत होकर के इसी भगवती की आराधना करते हैं, माँ से प्रार्थना करते हैं और जब भगवती इनकी प्रार्थना को स्वीकार करते हुए किसी न किसी रूप में इनका प्रादुर्भाव होता है, जब प्रकट होती है, देवताओं का कार्य सिद्ध करते हैं, भक्तों की रक्षा करती है और पापियों का नाश करती है। तो माँ भगवती आदि शक्ति इस गुहा के अंदर तीन दिव्य पिंडी के विराजमान है, माता महाकाली, माँ लक्ष्मी वैष्णवी और माता महासरस्वती। माँ भगवती के जो मूल आधार है, मूल जड़ से जो एक ही पिंडी है, 5.5 फुट की पिंडी है, चरण चरण गंगा बहती है, ऊपर आकर तीन शक्ति बने, तीन स्वरूप हो गए हैं और तीनों महाशक्ति के दर्शन है वह पिंडी के रूप में है, माता महाकाली, महालक्ष्मी वैष्णवी और माता महासरस्वती।
ये तीन शक्तियां जो हैं यहाँ पर जो पिंडी के रूप में भगवती आदि शक्ति विराजमान है, इन तीनों शक्तियों का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए, इन तीनों देवियों की विशेष कृपा प्राप्त करने के लिए भक्तजन माँ के दरबार में आकर के माँ से करवत प्रार्थना करते हैं। क्योंकि जिन भक्तों को इन तीनों शक्तियों की प्राप्ति हो जाती है, इन तीनों देवियों का जिन भक्तों का आशीर्वाद प्राप्त हो जाता है, उनके जीवन कभी किसी प्रकार की कमी नहीं रहती, उनके सब कार्य सिद्ध होते हैं और वही जो जीवन में जो है सफलता प्राप्त करते हैं। जिन पर तीनों माताओं की कृपा होती है, इन तीनों देवियों का जिन्हें आशीर्वाद प्राप्त हो जाता है। माता महाकाली ये शरणार्थ भक्तों को शक्ति का वरदान देती, शत्रु का नाश करती हैं, रोगों से मुक्ति देती हैं। माँ महालक्ष्मी माँ वैष्णवी ये शरणार्थ भक्तों को धन लक्ष्मी का वरदान देती हैं, कार्य सिद्ध करती हैं, कारोबार वृद्धि करती हैं, सर्वत्र भक्तों का मंगल मंगल करती हैं। माता महा सरस्वती ये शरणार्थ भक्तों को विद्या बुद्धि का वरदान देती हैं। शारीरिक शक्ति, धन शक्ति और ज्ञान शक्ति, ये तीन शक्ति जो है जिस व्यक्ति के पास है, शरीर से निरोगी है, तंदुरुस्त है, रोगों से मुक्त है, धन शक्ति से संपन्न है, मां सरस्वती कृपा है, तो कभी जीवन में किसी प्रकार की कमी आ नहीं सकती। और तीनों शक्तियों को देने वाली जो भगवती है, जो निरोगी काया भगवती मां लक्ष्मी मां काली से जो प्राप्त होती है इसकी कृपा से, शरीर निरोगी हो तो निरोगी काया जो है मां काले की विशेष कृपा, धन लक्ष्मी की पूर्णता जो है मां लक्ष्मी की कृपा, और ज्ञान शक्ति की प्राप्ति जो है मां सरस्वती का आशीर्वाद। तो इस प्रकार से दे तीन शक्ति जब आराधना करते हैं दुर्गा सरस्वती के द्वारा, आप दुर्गा सरस्वती का पाठ करते हैं, उसमें तीन चरित्र हैं और सबसे पहले जो है प्रथम चित्र में महाकाली का ध्यान किया गया है। सबसे पहले मनुष्य का शरीर जो है तंदुरुस्त हो, निरोगी हो, तो ये सब करके ये सुख जो है ये अच्छे लगते हैं। नहीं तो यदि आप रोग से युक्त हैं, शरीर रोगी है, तो आपके पास जितनी मर्जी धन संपत्ति होगी, जितना मर्जी आपके पास ज्ञान होगा, तो ये आपके लिए कुछ भी जो है कोई लाभ देने वाला नहीं है। सबसे पहले निरोगी काया हो, जिसलिए जी दुर्गा सरस्वती प्रथम चित्र में सबसे पहले महाकाली का स्मरण किया गया है, दूसरे चित्र में जो है महालक्ष्मी का, धन लक्ष्मी की जो है उस महालक्ष्मी का कृपा हो जाए, उसका आशीर्वाद मिल जाए, तो माँ की कृपा जिन पर कृपा होती है, माँ लक्ष्मी जिन पर कृपा होती है, उन्हें धन की प्राप्ति होती है, उनका धन भी जो है अच्छे अच्छे कार्य में लगता है, कोई बुरे कार्य में नहीं लगता। तीसरे चित्र में जो है माता महासरस्वती का स्मरण किया गया है, फिर जो ज्ञान कि जब दो शक्ति जो है शारीरिक शक्ति धन शक्ति प्राप्ति हो जाती है, फिर क्या जरूरत पड़ती है मनुष्य को बुद्धि की, विवेक की, ज्ञान की। बुद्धि जो ठीक प्रकार से काम करे, कहीं अहंकार में ना आ जाए, ठीक प्रकार से निर्णय ना कर पाए, तो व्यक्ति जो है कितने धनवान होता है, कितने शक्तिशाली होता है, तो क्या होता है जेल में डाला जाता है उसको। ऐसा अनर्थ करता है क्योंकि विवेक बुद्धि काम करती नहीं, अहंकार होता है शारीरिक शक्ति का, धन शक्ति का, और जो है मेरे पास इतना धन है मैं कुछ भी कर सकता हूं, और ऐसे बुद्धि कहीं गलत निर्णय ले लेती है, जिसके कारण से बैग पल में धूल मिल जाते हैं, ना धन रहता ना शक्ति रहती है। इसलिए ये इस सब कुछ देने वाली वो ही जो देती संपन्न करती है, उसे छीनना भी आता है। कैसे? बुद्धि के सुक्रिय थोड़े से ढीले कर देती है, पता नहीं चलता कब क्या हो गया। इसलिए जीवन में जब भी माँ की कृपा हो और माँ की कृपा से जो आपको शक्ति प्राप्त हो, उस शक्ति का सदुपयोग करें, सदुपयोग करें, तो आपके जीवन में कोई विघ्न बाधा नहीं आएगी, कभी कोई विघ्न बाधा नहीं आएगी, कभी क्लेश नहीं होंगे, कोई दुख नहीं होंगे, परिवार जो है सुख शांति से चलेगा, और इस प्रकार से आत्म शांति मिलेगी। जीवन में जो भी आप चाहते हैं वह सभी जो है आपकी मनोलक्षित कामना जब पूर्ण होंगी, और इस लोक में सब सुख भोग करते हुए आपका परलोक भी कल्याण हो जाएगा। बोले सच्चे दरबार की जय। जो फल होते हैं भगवती की साधना कर, जो भी आप सत्कर्म करते हैं,
सत्कर्म करें कैसे, तो इसलिए बिल्कुल विशुद्ध मन से और ईमान का त्याग कर करके किसी प्रकार अहंकार न करें। जो दिया उसी का दिया हुआ है, जो कर रहे वही कर रहे हैं, हम तो उसके सेवक हैं, सेवादार हैं। इस भाव से जब वह सदमार्ग पर चलते सत्कर्म करते हैं तो मां की हमेशा उस पर कृपा रहती है, उसका आशीर्वाद हमेशा बना रहता है। इस समय गुप्त नवरात्र चलने बड़ा ही उत्तम समय है। जो आपको जो है इन गुप्त नवरात्र के अवसर पर जो है माँ के चरण बैठ करके भगवती की आराधना करने का, पुण्य अर्जित करने का, माँ की विशेष कृपा प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, क्योंकि माँ की विशेष कृपा आप पर है कि ऐसे विशेष दिनों में माँ ने आपको अपने दरबार में बुलाया, चरण में बिठाया, क्योंकि जिन पर इस देवी की कृपा होती है जो भगवती उनको बुलावा भेजती है, अपने चरण में बुलाती है, अपने दरबार में बुलाती है, आशीर्वाद देती है, जिसके आशीर्वाद से वह साधक जो है सब ओर से परम कल्याण को प्राप्त होती है। इसके बुलावे के बिना जहां पर कोई आ नहीं सकता, और इसकी कृपा के बिना जहां पर कोई बैठ नहीं सकता। ये गुप्त नवरात्र जो है आज जो है माँ दुर्गा का चौथा रोज है, चतुर्थ नवरात्र, चतुर्थी तिथि है, चतुर्थ नवरात्र जो है चौथा स्वरूप जो है माँ भगवती कुष्मांडा देवी का है। जो 9 दिन की साधना होती है, आप तो नवरात्रों में 9 दिन माँ की साधना करते हैं। शास्त्र में जो है जो 4 नवरात्र बतलाएंगे वर्ष में जो है, 2 तो आप प्राय करते हैं, जो चैत्र जो है शुक्ल पक्षी प्रतिपदा से लेकर नवमी पर्यंत 9 दिन जो है जो वसंतिक नवरात्र होते हैं, फिर जो है आश्विन महीने के शुक्ल पक्ष के प्रतिपदा से लेकर नवमी पर्यंत जो है ये 9 दिन जो है इस प्रकार से ये शारदीय नवरात्र कहलाते हैं। दूसरे 2 नवरात्र गुप्त नवरात्र होते हैं, आषाढ़ शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से लेकर नौवीं पर्यंत 9 दिन के जो विशेष जो है शुक्ल पक्ष के 9 दिन जो है ये गुप्त नवरात्र कहलाते हैं। दूसरे जो है गुप्त नवरात्र जो है माघ शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से लेकर के 9वीं पर्यंत जो है 9 दिन इस समय जो चल रहे हैं जो माघ शुक्ल पक्ष नवरात्र जो है। कहते हैं कि षटशीति संक्रांति होती है, हर 86 दिन के उपरांत जो है नवरात्र होता है। अब 84 से गुणा करें तो 344 दिन आते हैं, शेष जो है 16 दिन जो बचते हैं जब दत्तम तद पितृपक्ष, बस 16 दिन जो है पितृपक्ष को दिए गए हैं, जो आप जो है जो श्राद्ध करते हैं 7 दिन नवरात्र से पहले जो है जब श्राद्ध आते हैं तो उनमें पितृपक्ष पितृ यज्ञ उनको कहा गया है, ये 16 दिन उनको दिए गए। जे 4 नवरात्र जो हमें जो मिलते हैं तो इनमें जो है दक्षिण भारत में जो है इन्हीं नवरात्रों में जो विशेष भगवती की आराधना अर्चना की जाती है, तो जो तो प्रतिदिन भगवती की उपासना करनी चाहिए, परंतु जब विशेष दिन होते हैं उसमें विशेष पूजा आराधना अर्चना जब पाठ जो है किया उसका फल जो है अनंत गुणा होता है, अक्षय फल होते हैं, उस फल का कभी नाश नहीं होता। तो माँ के 9 रूप हैं, प्रथम शैलपुत्री च, द्वितीय ब्रह्मचारिणी, तृतीय चंद्र घंटे थे, कुशमांडे चतुर्थकम, पंचम स्कंद माते थे, षष्ठम कातनीति च, सप्तम काल रात्रि थे, महाघोरती चाष्टम, नवम सिद्धि धात्री च, नव दुर्गा प्रकीर्ति था। ये 9 स्वरूप है माँ के। पहला स्वरूप शैलपुत्री का है और प्रथम नवरात्र से ही साध्य की साधना प्रारंभ होती है। मूलाधार चक्र में वे अपने मन को स्थित करते हैं और माँ शैलपुत्री का ध्यान करते हुए अपनी साधना को प्रारंभ करते हैं। फिर द्वितीय नवरात्र में जो है दूसरा स्वरूप जो है माँ ब्रह्मचारिणी का है। ब्रह्मचारिणी का के स्वरूप का ध्यान करता हुआ वह साधक जो है अपने मन की स्थिति को जो है वह स्वाधिष्ठान चक्र में ले आता है और भगवती की साधना में अग्रसर होता है, माँ की भक्ति में अग्रसर होता है। इस प्रकार से फिर तृतीय नवरात्र जो है, तृतीय नवरात्र जो है तीसरा स्वरूप माँ भगवती चंद्र घंटा का है। उस स्वरूप का ध्यान करता हुआ अपने मन की स्थिति को जो है मणिपुर चक्र में जो है स्थित कर करके माँ की साधना इस प्रकार से अग्रसर होता जाता है और माँ की साधना करता है। फिर चौथा स्वरूप जो है माँ भगवती कुष्मांडा देवी का है। कुष्मांडा देवी के स्वरूप का स्मरण करता हुआ, ध्यान करता हुआ अपने मन की स्थिति को जो है अनाहत चक्र में जो ले आता है। ये चक्र है, ये 7 चक्र जो है इस प्रकार से साधना का एक विधान है। किस प्रकार से और आज के दिन साध के मन की स्थिति जो है अनहद चक्र में आ जाती है और इसमें अपने मन को स्थित कर करके वह भगवती की साधना करता हुआ अग्रसर होता है।
तो माँ दुर्गा के चौथे स्वरूप का नाम जो है कुष्मांडा है, अपनी मंद हल्की हंसी द्वारा जो है अंड अर्थात अंड को कहते हैं ब्रह्मांड। तो अंड अर्थात ब्रह्मांड को जो उत्पन्न करने के कारण से जो है इन्हें कुष्मांडा देवी के नाम से ये जाना गया है। और जब सृष्टि का अस्तित्व नहीं था, कुछ भी नहीं था, इस सृष्टि में कुछ भी नहीं था, उस समय सर्वत्र जो अंधकार ही अंधकार था, जल ही जल जो परिव्याप्त था, तब जो है इन्हीं देवी ने अपने ईषद ईषद कहते हैं हास्य को, मंद मंद हास्य से अर्थात मंद मंद मुस्कुराते हुए इसने सृष्टि का निर्माण किया था। सृष्टि की उत्पत्ति हुई थी ब्रह्मांडा की, ब्रह्मांड की जो है माँ ने जो है ईषद हास्य से मंद मंद हास्य से इन्होंने जो है ब्रह्मांड की रचना की थी। अतः जिस सृष्टि की आदि शक्ति है कुष्मांडा देवी, जिस सृष्टि की आदि शक्ति है, इससे पूर्व जो है इस ब्रह्मांड पर जो है कुछ भी नहीं था, इस ब्रह्मांड का कोई अस्तित्व नहीं था। जी कुष्मांडा देवी जो है कहते हैं कि इसका निवास स्थान जो है जिस सूर्य मंडल में है, जिस सूर्य मंडल में निवास करते हैं, जानते हैं सूर्य का कितना तेज होता है, और उसके बीच में निवास करना, उस मंडल में सूर्य मंडल में निवास करना जो शक्ति जो है इसमें है। वास्तव में सारे सृष्टि को प्रकाशित करने वाली यही भगवती है, अर्थात सूर्य को प्रकाशित करने वाली यही भगवती है। इसका प्रकाश जो है जी कीट से लेकर ब्रह्म पर्यंत जो है जो विद्यमान है, इसके तेज से जो है सभी जीव जो है अपना अपना कार्य करने समर्थ होते हैं। इनके जो है शरीर की कांति और प्रभाव भी जो है सूर्य के समान ही सदृश है, दीप्यमान है, और जो है इसके तेज की तुलना जो है इन्हीं के साथ की जाती है, क्योंकि इनके ऊपर कोई है ही नहीं। जो पूरी सृष्टि को पूरी जो है इस प्रकार से जो प्रकाशित कर रहे हैं, इसलिए इनकी तुलना करने में जो है इन्हीं के साथ इनकी तुलना की जाती है, इनके ऊपर कोई इनके समान कोई है ही नहीं। इसलिए ब्रह्मांड के सभी वस्तुओं तथा प्राणियों में जो है अब से तेज जो है इन्हीं की छाया है, इन्हीं का आशीर्वाद है, इन्हीं की छाया है, जिस तेज से जो है हम सब प्रकार के कार्य करने समर्थ होते, जिस शक्ति से हम संपन्न होकर के। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्य 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 नमो नमः। इस चराचर जितने संसार सब के अंदर जो है इसी माँ भगवती मंगलमय शक्ति का ही जो है ये तेज जो समाहित है, जिससे जो है हम सब अपना अपना कार्य करने समर्थ होते हैं। जब जो शक्ति नहीं होती तो ये मनुष्य शरीर जो है क्या इसको कहते हैं शब, और इसमें शक्ति नहीं, ना तो चल सकता, ना देख सकता, ना सुन सकता है, उसको शब कहते हैं। जब शक्ति कोई शक्ति चली जाती है, नेत्र शक्ति चली जाती है, कान की शक्ति चली जाती है, शरीर की शक्ति क्षीण हो जाता है व्यक्ति, तो कहते हैं अब जी धीरे धीरे शक्तिहीन हो रहा है, उसमें शक्ति नहीं। जब तक शक्ति संपन्न है तो वह सब प्रकार कार्य सिद्ध करते हैं, इसलिए उस शक्ति को देने वाली जय भगवती है, इसलिए उस कल्याणमय देवी की जो है मनुष्य को पूजा माँ की आराधना उसका धन्यवाद प्रतिदिन करते रहना चाहिए, प्रातःकाल सायंकाल जो है, ताकि इन शक्तियों से नेत्र शक्ति से कान की शक्ति से जिह्वा की शक्ति से बुद्धि की शक्ति से शारीरिक शक्ति से हम जो बिल्कुल संपन्न रहे पूर्ण रहे। जो शक्ति संपन्न होते हैं वो स्वयं की भी रक्षा करते हैं, दूसरों की रक्षा कर सकते हैं, और सब कार्य करने में वह सफल होते हैं। जो शक्तिहीन होते हैं वह क्या कार्य उनको कहां सिद्धि प्राप्त होगी, वह स्वयं की रक्षा नहीं कर सकता, दूसरों की रक्षा कैसे कर सकता है। इसलिए इस शक्ति की इस कल्याणमय देवी की प्रत्येक जीव को जो है माँ की आराधना माँ की अर्चना माँ की पूजा करनी चाहिए, और प्रतिदिन प्रातःकाल सायंकाल जो है जब भी आप कार्य करते हैं कार्य संपन्न होता है माँ का धन्यवाद माँ का शुक्राना करते रहें, और इस प्रकार से अपने मन को माँ के साथ जोड़िए, माँ के साथ प्रीति करिए, माँ के साथ लगन लगाइए, ऐसी लगन लगाइए फिर लगन छूटे नहीं, ऐसी आपकी साधना होनी चाहिए, ऐसी आपकी उपासना, ऐसा आपका भजन होना चाहिए, ताकि हर पल हर क्षण जो है माँ का नाम जो है आपकी जिब्बा पर हो। सच्चे दरबार माँ का जो है कुष्मांडा देवी का जो मैं आपको बतला रहा था, इसका स्वरूप जो है इनकी आठ भुजा है, आठ भुजा है, और अष्टभुजा देवी के नाम से जो विख्यात हैं। इनके जो सात हाथों जो क्रम से जो है एक हाथ में करमंडलु है, धनुष है, बाण है, कमल पुष्प है, अमृत पूर्ण कलश है, और चक्र है, तथा गदा जो है एक हाथ में जो है इन्होंने जो है
जप माला ले रखी है जो अस सिद्धि नव निधियों को देने वाली है। एक हाथ में माला है इनकी जो कहते हैं अस सिद्धि नव निधि के दाता। हनुमान का चालीसा का पाठ जो करते हैं तो इस प्रकार उसने भी ये सब सिद्धि प्राप्त की थी हनुमान जी ने इस भगवती की उपासना कर करके। तो अस सिद्धि नवनिधि के दाता अस सिद्धि क्या है? अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकम्य, ईश्वत्व, वशत्व, ये आठ प्रकार की सिद्धियां बताई गई। इसी प्रकार से जो है ये असिद्धि और नो निधि है और इनको देने वाली जे भगवती है। तो एक हाथ में इनके माला है, इस कुष्मांडक देवी की जो उपासना करते हैं उनको जो है इन असिद्धि और नवनिधियों की प्राप्ति होती है। जे माँ का स्वरूप है और सिंह पर जो विराजमान रहती है, सिंह पर बैठी हुई है, कुष्मांड जो संस्कृत में जो है कुष्मांड को जो है पेठ को कहते हैं। पेठ जो है यह माँ को जो पेठ की बलि जो है ये अत्यंत प्रिय है कुष्मांडा देवी को। जो कुष्मांडा की जो उपासना करते हैं आज के दिन विशेष करके आप पेठ का दान करते हैं, पेठ की बलि देते हैं, जब पेठ को सिर पर घुमा करके बहते जल बहा देते हैं तो इससे मनुष्य की दीर्घायु होती है, दीर्घायु को प्राप्त होते हैं, उसके कष्ट उसके रोग जो है उनसे जो है उसको मुक्ति मिलती है। पेठ की बलि माँ को अत्यंत प्रिय है, माँ कुष्मांडा देवी को इस प्रकार से चौथ नवरात्र में जो है इसी कुष्मांडा देवी का स्मरण किए जाते हैं। ये आयु को देती है, दीर्घायु को देती है, रोग से मुक्ति देती है, दीर्घायु करती है, रोग से मुक्ति देती है और यश माँ की कृपा से यश की प्राप्ति संसार में, उसका यश, उसका मान, उसकी कीर्ति जो है अटल बनी रहती है। इसलिए कुष्मांडा की उपासना जो है मनुष्य को जो है आदि व्याधियों से ही सर्वदा मुक्त कर देती है। आदि और व्याधि, व्याधि होती है बीमारी को रोग है, आदि क्या होती है मानसिक रोग जिसका कहीं कोई उपचार भी नहीं होता, बस मन ही मन जो है, और मानसिक रोग ऐसा होता है जो अंदर ही अंदर जो है मनुष्य जो है बस जलता रहता है और समाप्त हो जाता है। तो मानसिक रोग इन आदि व्याधियों को, इस मानसिक रोग को और जो दूसरे रोग शारीरिक रोग जो है इन रोगों को भी जो भगवती जो दूर करती है। इसलिए भगवती जो है सब प्रकार की समृद्धि और उन्नति को देने वाली ही, इसलिए जो भी भक्तजन जो है इस देवी के शरणागत होकर के माँ दुर्गा की उपासना करते हैं, दुर्गा दुर्गोधिनाशिनी जो दुखों का नाश करने वाली है और सुखों को देने वाली है। बन भक्ति भक्ति सच्ची होनी चाहिए, सच्चे हृदय से आप जब भी माँ का प्रयत्न निज पूर्वक स्मरण करोगे तो यकीन मानिए इस जगजननी जगत माता की, माता महाकाली, महालक्ष्मी वैष्णवी और माता महा सरस्वती की आप पर पूर्ण कृपा होगी और माँ की कृपा से आपका जीवन जो है मंगलमय होगा। बोलो सच्चे द्रवाई। तभी भजन की वेला निवेदन कर रहा हूँ, श्री मणिंद्र से माँ के चरणों में एक भजन प्रस्तुत करेंगे। आप सभी भक्त संकीर्तन सहयोग देना से मिलकर बोला ताली बजाते हुए श्री जय करा श्री जी का। बोल सच्चे दरबार की जय। ये अवसर फिर नहीं मिलने का, ये अवसर फिर नहीं Yeah.
खुल कर लगे झूले डाले नहीं डाल के आवाज महंत दरबार तक पहुंचे एक बार सही भक्त अपने अपने हाथ ऊपर उठा कर सके माँ के चरणों में अपने अपने हाजिर दीजिए हाथ से ऊपर माँ भगवते और भक्तों के हाजिर से विचार करें आपके झोलिए भरे आपके मर्यादे पूरी करे आपका जीवन खुशियों से भरता रहे नहीं आप सत्संग
के अभिमानी हा कर लो यजमन बहते पानी कर लो यजमन बहते पानी यहाँ चार दिनों की मेहमानी यहाँ चार दिनों मंगे लाख करोड़ा
हो मैनू मिल जाए तेरी छाया, हो मैनू मिल जाए तेरी छाया। ओ हुण लगन लगी की करी, हर पल तेरा नाम सिमरिए। हुण लगन लगी की करिए, हर पल तेरा नाम सिमरिए। ओ हुण लगन लगी की करिए, हर पल तेरा नाम सिमरिए। हुण लगन लगी की करिए, हर पल तेरा नाम सिमरिए। हो तेरे ध्यान दे विच मन बसिया रवे, कोई होर ध्यान ना करिए। मन बसया रवे, कोई होर ध्यान ना करिए। ओ तेरे ध्यान दे विच मन बसया, कोई होर ध्यान ना करिए। ओ हुण लगन लगी की करिए, हर पल तेरा नाम सिमरिए। हुण लगन लगी की करिए, हर पल तेरा नाम सिमरिए। ओ हुण लगन लगी की करिए, हर पल तेरा नाम सिमरिए। हुण लगन लगी की करिए, हर पल तेरा नाम सिमरिए। बड़ी उड़ी का बात मई अज तेरा बुलावा आया, बड़ी उड़ी का बात मई अज तेरा बुलावा आया। हो बड़ी उड़ी का बात मई अज तेरा बुलावा, लख लख शुक्र तेरा जो मैनू अपनी चरनी लाया। हो लख लख शुक्र तेरा जो मैनू अपनी चरनी लाया। हाँ लख लख शुक्र तेरा जो मैनू अपनी चरनी लाया। हाँ लख लख शुक्र तेरा जो मैनू अपनी चरनी लाया। हुण लगन लगी की करिए, हर पल तेरा नाम सिमरिए। हुण लगन लगी की करिए, हर पल तेरा नाम सिमरिए। हो तेरे ध्यान दे विच मन बसया रवे, कोई होर ध्यान ना करिए। हो तेरे ध्यान दे विच मन बसया रवे, कोई होर ध्यान ना करिए। हुण लगन लगी की करिए, हर पल तेरा नाम सिमरिए। हुण लगन लगी की करिए, हर पल तेरा नाम सिमरिए। दर तेरे नू छड़ के मैया होर केरे दर जावा। हाँ दर तेरे नू छड़ के मैया होर केरे दर जावा। के मैया होर केरे दर जावा। आदर दर तेरे नू छड़ के मैया होर केरे दर जावा। जे तू भी ना सुने ते दिल दा हाल मैं किसन सुनावा। जे तू भी ना सुने मैं दिल दा हाल मैं किसन सुनावा। हो जे तू भी ना सुने ते दिल दा हाल मैं किसन सुनावा। दर दर रुलिया मैया दस हुण, दर दर रुलिया मैया दस हुण, दर दर रुलिया मैया दस हुण, दर दर रुलिया मैया दस हुण। केड़ा पल्ला फड़िए, हुण लगन लगी की करिए, हर
मन बसया रवे कोई होर ध्यान ना करे मां तेरे ध्यान दे भगवान बसया रवे कोई होर ध्यान ना करे हुण लगन लगी की करिए हर पल तेरा नाम सिमरिए होर न मंगा जो कुछ मिले यार रहमत तेरी मैं कुछ होर न मंगा जो भी मिले यार रहमत तेरी मैं कुछ होर न मंगा मां जो भी मिले यार रहमत तेरी मैं कुछ होर न मंगा तन मन अपना गाती तेरे नाम दे रंग विच रंगा तन मन अपना तेरे नाम दे रंग विच रंगा मां तन मन अपना गाती दे नाम दे विच मैं जे तू मेहर करे ते माए 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 पव सागर चो करिए हुण लगन लगी की तेरा नाम सिमरिए हुण लगन लगी की करिए पर पल तेरा नाम सिमरिए हुण लगन लगी की करिए पर पल तेरा नाम सिमरिए हुण लगन लगी की करिए हर पल तेरा नाम सिमरिए तेरे ध्यान दे विच मन बसया रवे कोई होर ध्यान ना करिए तेरे ध्यान दे विच मन बसया रवे कोई होर ध्यान ना करे हुण लगन लगी की करिए हर पल तेरा नाम सिमरिए हुण लगन लगी की करिए हुण लगन लगी की करिए हर पल तेरा नाम सिमरिए हुण लगन लगी की करिए हर पल तेरा नाम सिमरिए 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 जय करा मेरी सेना बनी मैया जी का बोल सच्चे दरबार की जय जय कर शिरवली बोल सच्चे दरबार की जय तू जाने महारानी तेरिया तू जाने महारानी तेरिया तू जाने कीर्तियां कौन थले मौजा लेंदे चल बलले तेरियां कीर्तियां कौन थले मौजा लेंदे चल बलले भुखे मरण से आने तेरियां तू जाने भुखे मरण से आने तेरियां तू जाने भुखे मरण से आने जाने तेरिया तू जाने महारानी तेरिया तू जाने तू जाने महारानी तेरिया तू जाने महारानी
तू जाने तू जाने महारानी तेरिया तू जाने एक नानू दे खुले पंडारे एक नानू दे खुले पंडारे एक पाए भुखे फिरन बेचारे एक पाए भुखे फिरन बेचारे एक नानू दे खुले पंडारे एक नानू दे खुले पंडारे एक पाए भुखे फिरन बेचारे एक पाए भुखे फिरन बेचारे खान मिलन दाने तेरिया तू जाने 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 तू जाने तू जाने महारानी तेरिया तू जाने तू जाने तू जाने महारानी तेरिया तू जाने तेरिया तू जाने माया तेरी है महामाई माया तेरी है महामाई धरती पानी उते तराई धरती पानी उते तराई माया तेरी है महामाई माया तेरी है महामाई धरती पानी उते तराई धरती पानी उते तराई और हैरान से आने तेरिया तू जाने और हैरान जाने तेरिया तू जाने आ हैरान जाने तेरिया तू जाने तू जाने तू जाने महारानी तेरिया तू जाने तू जाने तू जाने महारानी तेरिया तू जाने जाने तू जाने महारानी तेरिया तू जाने तू जाने तू जाने तेरिया तू जाने ब्रह्मा पार विपाना जगया ब्रह्मा पार विपाना जगया नारद महिमा गाना जगया नारद महिमा गाना जगया ब्रह्मा पार विपाना जगया ब्रह्मा पार विपाना जगया नारद महिमा गाना जगया नारद महिमा गाना जगया मनन तेरे भाने तेरिया तू तेरे पाने तेरिया तू जाने मनन तेरे पाने तेरिया तू जाने मनन तेरे पाने तेरिया तू जाने तू जाने तू जाने महारानी तेरिया तू जाने तू जाने तू जाने महारानी तेरिया तू जाने जाने तू जाने महारानी तेरिया तू जाने तू जाने तू जाने महारानी तेरिया तू जाने नाम तेरा मां शक्ति देवे नाम तेरा मां शक्ति देवे मुक्ति देवे भक्ति देवे मुक्ति देवे भक्ति देवे नाम तेरा मां शक्ति देवे नाम तेरा मां शक्ति देवे मुक्ति देवे भक्ति देवे मुक्ति देवे भक्ति देवे जिसनु बख्शे माने बख्शे माने तेरिया तू जाने जिसनु बख्शे माने तेरिया तू जाने जिसनु बख्शे माने तेरिया तू जाने तू जाने तू जाने महारानी तेरिया तू जाने तू जाने तू जाने महारानी तेरिया तू जाने जाने तू जाने महारानी तेरिया तू जाने तू जाने जाने महारानी तेरिया तू जाने बिच गुफा दे वास है तेरा बिच गुफा दे वास है तेरा खाली क्यों मन मंदिर मेरा खाली क्यों मन मंदिर मेरा बिच गुफा दे वास है तेरा बिच गुफा दे वास है तेरा खाली क्यों मन मंदिर मेरा खाली क्यों मन मंदिर मेरा आज किसे बहाने तू जाने तू जाने महारानी तेरिया
जाने दो जाने महारानी तेरिया दो जाने तू जाने महारानी तेरिया तू जाने तू जाने महारानी तेरिया दो जाने तू जाने महारानी तेरिया तू जाने तू जाने महारानी तेरिया तू जाने दरबार की जय श्री महेंद्र जी जय करा शिरोमणि जी का बोल सच्चे दरबार की जय जगदम्बे तेरी दया चाहता हूँ जगदम्बे तेरी दया चाहता हूँ हाँ जगदम्बे तेरी दया चाहता हूँ जगदम्बे तेरी दया चाहता हूँ गुनाहगार हूँ छोड़ कर
दिन पूछना चाहता हूँ, तुझे रात दिन पूछना चाहता हूँ, जगदम्ब तेरी दया चाहता हूँ, जगदम्ब तेरी दया चाहता
अब दूर तुम्हें माना मेरी नैया अम्ब तुमको आसा नहीं पाना सब रंग बदलते हैं और सब रूप बदलते हैं सब रंग बदलते हैं सब रूप बदलते हैं और सब रंग बदलते हैं सब रूप बदलते हैं और सब रंग बदलते हैं सब रूप बदलते हैं जो तन भी बदलता है ये मन भी बदलता है ये तन भी बदलता है ये मन भी बदलता है ये तन भी बदलता है ये मन भी बदलता है ये तन भी बदलता है ये मन भी बदलता है पर तुम नहीं बदलती पर तुम नहीं बदलती पर तुम नहीं बदलती तुम नहीं बदलती आना न कहीं जाना मेरी नैया अम्ब तुमको आसा नहीं है पारा मेरी नैया अम्ब तुमको आसा नहीं है पारा मेरी नैया अम्ब तुमको आसा नहीं है पारा मेरी नैया अम्ब तुमको चलते तेरे दर पे आ गया है और ये पथ चलते चलते तेरे दर पे आ गया है ये राही चलते चलते तेरे दर पे आ गया है ये राही चलते चलते तेरे दर पे आ गया है ये राही चलते चलते हो तेरे दर पे आ गया है और ये राही चलते चलते तेरे दर पे आ गया है ये द्वार आखिरी है ये द्वार आखिरी है ये द्वार आखिरी है ये द्वार आखिरी है आखिरी ठिकाना मेरी नैया अम्ब तुमको आसा नहीं है पाना तुमको आसान नहीं है पाना मेरी नैया अम्ब तुमको आसान नहीं है पाना मेरी नैया अम्ब तुमको आसान नहीं है पाना मेरी नैया अम्ब तुमको आसान नहीं है पाना आसान नहीं है पाना आसान नहीं है पाना आसान नहीं है पाना जयकारा मेरी शेरों वाली मैया जी का बोल सच्चे दरबार की आरोण सुधन से भ्रमते गगने दक्षिणे चक सूत्र वामे हस्त दिग्भ्र कणकमय पुस्तक जन गम्य सभीन भादिन्ते स्वकृतजपे शास्त्रविज्ञान शब्दे क्रीडन्त दिभिरोपाकर कमलधर भारती सुप्रसन्न सच्चें ज्योता वाली माता तेरी सदा ही जय। आज का पंचांग विक्रमादित्य से संबद्ध 2075 उत्तरायण दक्षिण गोल शिष्य ऋतु माघ मास की आस्था इस प्रविष्टि शुक्ल पक्ष आज चतुर्थी तिथि जो है
जब 12:26 रहेगी उसके और पंचमी प्रारंभ हो जाएगी शनिवार तदनुसार 9 फरवरी 2019 के दिन प्रातः काल आरती के समय आप भक्तजनों को माँ भक्ति की असीम अनुकंपा से माँ भक्ति के दरबार में सत्संग करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। आप बड़े ही भाग्यशाली पुण्यात्मा हैं जब भक्तों को इस आरती की परम पवित्र वेला में और विशेषतया इन गुप्त नवरात्र के आज चौथे नवरात्र के शुभ अवसर पर माँ के चरण में बैठ करके माँ भगवती की आराधना करने का पुण्य अर्जित करने का इस जगजन्य जगत माता का आशीर्वाद प्राप्त करने का अब भक्तों का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। माँ वैष्णो देवी की ओर से आप सब भक्तों को और जिस श्रद्धालु माँ वैष्णो देवी दरबार की आरती को देख रहे हैं उन श्रद्धालुओं को भी माँ वैष्णो देवी की ओर से भूरी भूरी आशीर्वाद। आयुष्मान भवे संतते भाने भवे शर्मान जसस्वी भवे प्रज्ञा भाने भवे भूर भूत करणे दाने कनिष्ठो भवे तेजस्वी भवे धैर्य गर्भ दलनी व्यापार दक्ष भवे श्री शंबर पाद पुण्यत सर्वोपकारी भव मंत्रार्थ सफल संत पूर्ण संत मनोर्थ है शत्रुनाम बुद्धिनाशोस्त मित्राणाम देश शरीर वर्चस आयुष्म आरोग्यमाविदात् शुभमानम हियते धनम धान्यम पशुम बहुपुत्र लाभम सत्संवत्सरम दीर्घमायुः अस्तु दीर्घमायुः। माँ भगवती अब भक्तों की दीर्घायु करें आपको सुख समृद्धि प्रदान करें धन धान्य से समृद्ध करें सब ओर से आपका मंगल करें आपकी यात्रा को सार्थक करवल सच्चे दरबार की जय। तभी माँ भगवती की आरती होगी आप सभी भक्तजन भक्ति भाव से माँ की आरती करेंगे सब कर बोलना है ताली बजाते हुए ओम जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा Yeah, I'm
अखंड ज्योति का पूजन होगा, उसके उपरांत माँ भगवती की आरती उतारी जाएगी। आरती आप सब भक्तजनों के बीच में आएगी। शांति पूर्वक अपने अपने स्थान पर बैठे बैठे आरती की वंदना करना और माँ भगवती से अपने कल्याण के लिए परिवार की सुख समृद्धि के लिए प्रार्थना करना। बोले सच्चे दरबार की जय। प्रेम से चामुंडा विच्चे ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा
परम पूज्य पुजारी जी आरती प्रारंभ करते ही आप सभी आरती का आनंद लीजिए और माँ से प्रार्थना कीजिए, माँ भगवती आप सब भक्तों का मंगल करें। जय माता दी। गुरु जी को वंदना, Thank you.
जाएंगे बस सारी ठंडी भूल जाएंगे। और ये जो आपने तप किया, माता रानी जी के आंगन में बैठकर तपस्या की, इस तपस्या का
माता रानी जी से हम आप सबके लिए यही आशीर्वाद मांगते हैं कि माता रानी जी आप सबकी मनोकामनाएं पूरी करें, झोलियां खुशियों से भरें, आप सबकी हाजिरी कबूल करें और आप सबको अपने दरबार में जल्दी जल्दी बहुत सारी खुशियों के साथ फिर से बुलाएं। जय माता दी। अभी सभी गज के अंदर से ठंड दूर करनी है, पूरे जोश के साथ बोलो सच्चे भाई जय, बोलो सच्चे भाई जय, बोलो सच्चे भाई जय, आशीर्वाद जय माता दी। Thank you.